रिकमेंडेशन भी आपके लिए होनी चाहिए। तो अपने नेटवर्क को आपने ग्रो करना है, अब कैसे किया जाए? क्योंकि वही बात है ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज या बातें ना की जाए, वो एक्शनेबल हमें रेसिपी दी जाए कि उस पर हम अमल करें। तो पहली तो बात है कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई ट्रेनिंग सेशन हो आपके शहर में, आपकी यूनिवर्सिटी में, उसे जरूर अटेंड करें। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं लेकिन कॉन्फ्रेंस हो रही है केमिस्ट्री वालों की, तो छह जगह बाहर बैठ के सिर्फ धूप से की जा रही है, चिप्स खाए गए, और बेहतर है कि बंदा अगर टाइम हो तो कुछ देर उस कॉन्फ्रेंस में जाके सोना है, कुछ टाइम अपना स्पेंड करना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इस तरह के ट्रेनिंग्स के अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनमें जरूर जाना चाहिए। सिमिलरली जो है कई लोग हैं जो आपके कंपनी से बाहर हैं, वो भी आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। तो बाहर मैसेज ये है कि आप कोशिश करें कि अपना नेटवर्क ग्रो करें, तो उसमें डाइवर्सिटी, जैसे मैंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को भी आपस में, मैनेजमेंट साइंसेज बायोलॉजिकल साइंसेज वालों को भी कभी कभी आपस में मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो अच्छा सुनते हो। जैसे हम पहले भी इस बात का इरादा मैं कर रहा हूँ दोबारा, कि आज के दौर में चैलेंज ये बनता जा रहा है कि हर बंदा बोलना चाहता है, हर बंदा चाहता है सिर्फ मुझे सुना जाए, हम दूसरे को सुनने को उतना तैयार नहीं है। ये भी ऐसे लोग अगर आप ढूंढें, और उसके बाद अच्छी बात यह है कि आप इस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करें। वो ये है कि ये नहीं कि सिर्फ आपको काम पड़े, आपको जरूरत पड़े तो आप उस वक्त फोन आप उठाएं, ठीक है, जब पैसे मुक जाए तो अब्बा जी, क्योंकि हमारा बैंक होते हैं तो अब्बा जी के हजूर हाजिर हो गए, और फिर हम हंस के या उनके उठी आए तो एक अंदे दोबारा शुरू करें, अब्बा जी के 10 किले पैसे चाहिए। तो ये एटीट्यूड अब्बा जी या वालदा के साथ तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, वो सारी जिंदगी या हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो उसके लिए जरूर है कि फिर वो कॉन्फ्रेंसिस की बात आ रही है, लोगों को मिलने की बात आ रही है, अगर आपको पता लगे कि फलाना बंदा बीमार है, फलाना पास कर लो, फलाना जानने वाला, तो उसकी अयादत करना ज़्यादा सवाब कार्य सवाब भी है। हदीस मुबारक हम सब सुनते हैं, आपसे इसमें फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक हैं, आखिरी रो वाले या कोई भी ओपन ओपन क्वेश्चन नहीं, कितने हकूक हैं जी हदीस के मुताबिक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर? हाँ जी 40। अच्छा चले, वो इस्लाम के बारे में भी जी भैया कुछ बताना चाह रहे? 40 हकूक है। अच्छा चले, बहरहाल वो कमी पेशी हो सकती है, और जाहिर है बहस के लिए मैं आपसे सीख नहीं पाऊंगा ना, बहस करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पीएचडी का एक बड़ा मशहूर एक्रोनिम है। पीएचडी का एक्रोनिम वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो मेरा पसंदीदा कई साल पुराना है वो ये भी है, परमानेंट हेड डैमेज, या दूसरा मुझे मजे का लगता है फिरा हुआ दिमाग। अक्सर मेरे एक कॉलीग है वो अक्सर कहते हैं कि हमारे पुराने हमारे चेयरमैन है, मेरे उस्ताद भी अल्लाह की हयाती करे जिंदगी से रिटायर हो गए, तो अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब से बहस करना ऐसे ही है जैसे आप गधे को नक्शे के अंदर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे हम पीएचडी के साथ होता है कि हम जरा पक्के हो जाते हैं, किस तरह मैं यार मैं बाहर हो के आया हूँ, वहां ऐसा भी होता था है जी, लेकिन यहाँ भी नहीं होता। तो वह बच्चे हदीस मुबारक है, 5 हकूक है, उसके अलावा तो जाहिर है हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर है अगर छींक आए किसी को तो आपको जवाब देना चाहिए, सलाम करना चाहिए, ठीक है ना, अक्सर छींक का जवाब नहीं देते, हमें पता नहीं होता हम लाइल हैं। इंग्लिश तो मैं बड़ी अच्छी लिख लेता हूँ, लेकिन उर्दू मुझे बोलनी नहीं आती ना लिखनी आती है अच्छी, और उर्दू का भी मेरा चैलेंज है। अभी परिजात की परसों बात को कर रहा था कि डिलेमा ये हो गया, चैलेंज ये हो गया, आज का नौजवान, आज का पाकिस्तानी, इसकी कौमी जुबान उर्दू है, वो रोमन में उर्दू लिखता है, तो मुझे तो बल्कि वो समझ नहीं आती रोमनाइज्ड उर्दू ना, मुझे तो बड़े अजीब सा लगता है, पता नहीं लोगों का किस तरह स्टैमिना होता है, वो लिख लेते हैं, पहले लिखना बड़ा औखा है, फिर अगले पढ़ भी लेते हैं उसको, वो जो रोमन कोड होता है उसे वो क्रिप्टोग्राफी पता नहीं लोग कैसे वो डिसाइफर कर लेते हैं कोड। तो इसी तरह जरूर है कि अगर आप हो मुसलमान तो उसकी आयादत करना, ठीक है, यानी कि चले मैं एक एग्जाम्पल कोट कर लेता हूँ,
कि अल्लाह तरीके रहमत करे तारक अजीज साहब को पिछले साल वफात पा गए। तारक अजीज शो बड़ा उनका नीलाम घर और कई साल और कई जनरेशन उन्हें देखते नहीं, तो उनके बारे में मैंने वैसे सुना कि उनको जब वो 3 महीने चलियों ने वो सुप्रीम कोर्ट वाला वाकया हुआ, उन्हें जेल हो गई, तो उन्हें एक बंदा मिलने गया, वो उनकी शो में पहले गाड़ी जीत चुका था। तो जब वो वापस आए दोबारा उन्होंने शो शुरू किया तो उस बंदे को दोबारा मौका दिया, उसने 2 गाड़ियां जीत। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी रिलेट करने का एक ही पर्पज है कि खुशी के मौके पे आप किसी को भूल जाए ना पहुंचे वो इतना मसला नहीं है, लेकिन कोई बंदा बीमार हो या तारक अजीज साहब इधर जेल में जाए तो आप चले जाए मिलने से। ठीक है।